एंड लेट्स रैबिट हार्ड। हाय क्या चल रही है ये, ओ माय गॉड, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं इतनी हैवी बाइक चला रहा हूँ, बहुत यूज्ड हो गया हूँ तुरंत। दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रॉयल एनफील्ड से। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आया हूँ MGS रॉयल एनफील्ड, जो कि आपका लखनऊ में है, नियर अमौसी एयरपोर्ट। और आज आपके सामने चमचमाती हुई द ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 खड़ी हुई है। एंड ये वाली जो आप गाड़ी देख रहे हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये जो गाड़ी है इसके साथ पहली बार रॉयल एनफील्ड ने लिक्विड कूल्ड इंजन दिया है अपनी पूरी हिस्ट्री में। तो आप लुक पहले चेकआउट कर लीजिए, कुछ इस तरह के लुक्स हैं। यहाँ पर आपको LED हेडलाइट्स देखने को मिलती है, 320mm की डिस्क मिलती है विद द स्पोक व्हील्स। एंड गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंगस है। और इसका अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है तो इसका वीडियो मैंने पहले कर रखा है, तो आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अगर गाड़ी पसंद आती है तो गाड़ी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको भाई चलाता हूँ, क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा है, और इसको रोड पर लेके चलते हैं। तो इसकी जो सैडल हाइट है वो है 825mm, और इसके साथ आपको एक एडजस्टेबल सीट भी आती है, जिसके थ्रू आप इसकी जो हाइट है, सीट हाइट 805 कर सकते हो। तो की मैं आपको दिखा देता हूँ, तो की इसकी कुछ इस तरह की देखने को मिलती है, टिपिकल रॉयल एनफील्ड की जो आपकी की आती है। और इसमें आपको फ्रंट में सोवा सस्पेंशन मिलते हैं, और पीछे भी आपको एडजस्टेबल सोवा सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। एंड पीछे वाला जो टायर है ये आपका 140 सेक्शन है, और यहाँ पर आपको किसी भी तरह की टेल लाइट देखने को नहीं मिलती है, टेल लाइट इसी के अंदर इंडिकेटेड है। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और राइड करके देखते हैं। तो ये है इसका 4 इंच का फुली डिजिटल TFT डिस्प्ले, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और इस मोटरसाइकिल के साथ आपको स्विचेबल डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। तो इसको सीधे सैडल करता हूँ भाई। इसका जो साइड स्टैंड है ना, वो बहुत ही प्यारा है, मतलब पहली बार मैंने इस तरह का साइड स्टैंड देखा है। और चलिए सैडल करते हैं। तो इन गाड़ियों में जो सैडल करने का तरीका होता है ना, वो ऐसे क्रॉस करके होता है, तो जस्ट यूं करके क्रॉस करना है और ऐसे बैठ के इसको सीधा कर लेना है। ओके, रियर व्यू मिरर मैं सेट कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम इन सिटी। एंड अब इसको ऑन करते हैं। सो ये हो गया भाई न्यूट्रल। और इसमें जो आपको इंजन देखने को मिलता है वो 450 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। और आगे की जो बातें हैं वो आपको मैं चलते चलते बताता हूँ। तो ये स्टार्ट हो गई भाई अपनी गाड़ी। ये है इसका थ्रॉटल, पहला गियरिंग गेस, एंड लेट्स रोल। भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही है गाड़ी। ओहो व्हाट अ फील मैन, पहली बार मैंने रॉयल एनफील्ड की वैसी गाड़ी चलाई है ना, जो भाई एडवेंचर टूरर तो है, लेकिन पावर भाई टॉप नॉच, 40 PS की पावर देखने को मिलती है, एंड 40 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। तो पावर आउटपुट इस गाड़ी का भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप कॉकपिट व्यू देखो पूरा, कितना प्यारा लग रहा है यार। यहाँ पर आपको हैजर्ड स्विच है, आपके इंजन किल स्विच एंड इंटीग्रेटेड सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपका मैनुअल बटन देखने को मिलता है, जिससे आप इसके मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो। और ये गियर भी बता रहा है और स्पीड भी बता रहा है। अब देखो यहाँ पर जैसे डार्क हो गया ना, तो डिस्प्ले भी डार्क हो गया, तो एडेप्टिव डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर भी सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। एंड लेट्स रैबिट हार्ड। हाय क्या चल रही है ये, ओ माई गॉड, लग ही नहीं रहा है कि भाई रॉयल एनफील्ड है ये। व्हाट अ पावर मैन, व्हाट अ पावर, लिटरली पुल कर रही है। सच बताऊँ ना तो जैसे ड्यूक 250 या ऐसी गाड़ियों में जो पुल होता है ना, वैसा वाला पिकअप इसमें मिल रहा है। और कंफर्टेबल तो भाई ऐसी है ना ये, कि इट्स फील लाइक अ सोफ़ा, किसी भी तरह का कोई इशू ही नहीं है भाई। और इसमें जो आप फ्यूल टैंक देख रहे हो ना, ये 17 लीटर का फ्यूल टैंक है। सामने आपको सोवा सस्पेंशन मिलते हैं और पीछे भी सोवा के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। 230mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, और जो इस गाड़ी का वेट है वो 196 kg का वेट है। तो भाई नो डाउट गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है। बताए इस गाड़ी को चलाने में, मतलब देखने में तो इतनी बड़ी लगती है, लेकिन चलाने में ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि गाड़ी बहुत बड़ी होगी। तो ऐसा है, गाड़ी मतलब बहुत ज़बरदस्त है भाई। एग्जॉस्ट नोट भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है मुझे। मतलब इस गाड़ी को ना मैं लेके लगभग 1000 किलोमीटर एक दिन में चला सकता हूँ, जिस तरह का यह स्पीड ऑफर करता है एंड जिस तरह की इसकी जो कंफर्ट क्वालिटी है वो है।
है ना, 825 mm की सीट हाइट है, मैं बहुत ही आराम से बैठा हूँ, मेरी जो हाइट है 5.5 है, तो बहुत ईजिली मैं इसको चला पा रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। और गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मतलब हर कोई आपको मुड़ मुड़ के देखेगा कि भाई क्या चला रहे हो तुम यार, ये क्या है ये वो। और गेयर बॉक्स के बारे में बात करें तो इसमें 6-speed गेयर बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, अलग कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है इस मोटरसाइकिल में, इतना ज़्यादा स्मूथ है। ये लो पुल ले, ओ थर्ड गियर में लगभग 100 रख रही है ये गाड़ी, थर्ड गियर में 100, तो सोचो 6 गियर है ये कितना जाती है। हालांकि बहुत लोगों ने इसका टॉप स्पीड टेस्ट कर रखा है, लेकिन मैं जिस एरिया पे गाड़ी चला रहा हूँ तो वहाँ पर मैं इसको नहीं टेस्ट कर सकता हूँ, बट गाड़ी भाई ओ व्हाट अ बाइक मैन, व्हाट अ बाइक। और इसकी जो एक्सोरूम प्राइस है 2,85,000 है, और इसके जो कलर वेरिएंट है वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इस गाड़ी को थोड़ा साइड में लगाता हूँ, क्योंकि मुझे इस गाड़ी को फिर से एक बार निहारने का मन चल रहा है भाई, क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा रिच है। साइड में लगाते हैं, ओके। ब्रेकिंग भाई, ब्रेकिंग इज़ वेरी शार्प, मतलब ब्रेक्स के तो क्या कहना है, डुअल चैनल ABS के साथ आती है और स्विचेबल ABS है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही साइड स्टैंड लगा रहा हूँ तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा हम्प है यहाँ पर। वाओ देख लो भाई आप गाड़ी, यार 146 टायर एंड लखनऊ की रोडें, भाई प्यार हो गया मुझे। और देखो इसका जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा नीला हो गया है ड्यू टू हीट, और इतनी ज़्यादा हीट अभी नहीं हम लोग इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो भाई जाड़ा चल रहा है, तो जाड़े में क्या ही हीट, हम देखेंगे क्या हीट आ रही है क्या नहीं आ रही है। बट गाड़ी भाई बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंगस है, मतलब BMW वाला प्रॉपर 1250 GS वाला फील दे रही है गाड़ी, और सिंगल हॉर्न के साथ है, अगर आप चाहें तो डबल हॉर्न लगा सकते हैं, और इसके साथ बहुत सारी एक्सेसरीज आप अपने अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं, सीट रैक है और भी ढेर सारी एक्सेसरीज है, जैसे विंड शील्ड वगैरह है, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डलवा सकते हो भाई। गाड़ी यार प्यार हो गया मुझे इससे जैसे कहते नहीं है ना लव एट फर्स्ट साइट, भाई इंजन इतना ज़्यादा अग्रेसिव है ना, जिसको आप अग्रेसिव चलाना चाहो तो अग्रेसिव चलाओ, नॉर्मल चलाना चाहते हो तो नॉर्मल भी चला सकते हो, मतलब क्या लग रही है गाड़ी यार। एक फ़ोटो तो इसका बनता है मैन, क्योंकि मुझे चाहिए प्रॉपर एक थंबनेल जो कि मेरे को सपोर्ट करे। एवरी कॉर्नर इज अ बेस्ट कॉर्नर। अब भाई फिर से इसको चलाते हैं, 450 cc इंजन, 40 PS पावर, 40 Nm ऑफ टॉक, लेट्स रन इट। भाई थोड़ा दिक्कत तो हो रही है इसको पिक करने में, बट चलाते हैं भाई, ठीक है। अब इसका थोड़ा ब्रेकिंग टेस्ट भी कर लेते हैं, और मैं चलाते चलाते बहुत आगे ना निकल जाऊँ, इस थोड़ा ये भी ध्यान देना है। और देखो ये जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पे जॉयस्टिक है, और ये आपके इंडिकेटर्स हो गया, और ये आपका पासिंग वगैरह हो गया, यहाँ पर होम बटन दिया हुआ है, यहाँ पर हैजर्ड बटन है, बाकी प्रेटी मच सारी चीज़ें हैं। और भाई ये जो आपका कलर है काजा ब्राउन, व्हाट अ फील मैन, मतलब पेंट क्वालिटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा सफिस्टिकेटेड सुपीरियर लग रही है, और हिमालयन का स्टिकर। फिर से चलाते हैं, ये देखो ये ऑन हुई, और फ्लिकर हो रहा होगा मीटर, खैर कोई नहीं मैनेज कर लेना, और देखना मैं रेव करूँगा ना तो ऐसे ऊपर जाएगा। 1900 RPM या 1800 RPM पर ये आइडल करती है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो ऊपर गई, क्या साउंड है, सो लेट्स रोल इट। ओके मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं इतनी हैवी बाइक चला रहा हूँ, बहुत यूज्ड टू हो गया हूँ तुरंत। ओ यहीं से यू टर्न लेते हैं भाई, अभी कई बॉयज देख रहे थे गाड़ी को कि भाई गाड़ी कौन सी है, और उनको कौन बताया भाई कि हिमालयन ने तो गेम खेल दिया है, और इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रॉयल एनफील्ड से भाई, कब भाई नहीं,
करता ही नहीं, रेड लाइन ही जो गाड़ी 100 120 पे कर देना, उसके अलावा बंदा कि जाने का कोई सोच ही नहीं सकता है, वो गाड़ी ये करके दिखा रही है भाई। मतलब लिटरली रॉयल एनफील्ड ने बहुत मेहनत की है इस गाड़ी में, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार इसका टेस्ट राइड ज़रूर लेना अगर आप एडवेंचर टूरर ढूंढ रहे हो भाई। इससे बेहतर आज की डेट में कोई गाड़ी नहीं है इससे बेहतर एडवेंचर टूरर कैटेगरी के मामले में भाई। लिक्विड कूल्ड इंजन क्या परफॉर्म कर रहा है यार, ये ले ओ, वो थोड़ा ब्रेक लगाते हैं भाई, ब्रेक भी शानदार है। मतलब ब्रेक्स के बारे में भी मतलब कुछ कहना ही नहीं है, हर तरह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रिच है और मस्त साउंड करती है यार। और जो थोड़ा सा हल्की सी वाइब्स आती है ना, वो आपको महसूस कराती है कि भाई कोई आप गाड़ी चला रहे हो यार। अब बिल्कुल ही स्मूथ हो जाए, बिल्कुल पता ही नहीं चले, तो फिर कैसे मज़ा आएगी, है ना। वो चीज़ ये गाड़ी ऑफर कर रही है भाई। मतलब ये ले ओ, क्या भाग रही है ये। ये पूरी की पूरी मतलब ये मान के चलो ना कि अगर मैं इसको पहले गियर पे उठा रहा हूँ ना, तो व्हीली भी कर सकती है ये गाड़ी। काइंड ऑफ ट्रैफिक, सबको भाई पड़ी। तो भैया मेरे गोप्रो ने यहाँ पर धोखा दे दिया, एंड अब इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। एंड लेट मी नो इन दी कमेंट्स आप लोगों को ये वाला राइड रिव्यू कैसा लगा। एंड अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो आप MGS रॉयल एनफील्ड में देख सकते हो। इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।